नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 3 मई 2020 को इसकी परीक्षा आयोजित की जानी है, तो बहुत सारे छात्रों के सामने ये समस्या आ खड़ी हुई है कि भाई इन 7 माह में, केवल 7 माह में हम नीट एग्जाम को क्रैक कैसे करें, ऐसा क्या करें कि हमारा नीट एग्जाम जो है वो क्वालिफिकेशन हमारा हो जाए और हमें एमबीबीएस या बीडीएस जो हम चाह रहे हैं उसमें हमारा एडमिशन हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि यह सब्जेक्ट का कहना चाहिए प्रिपरेशन के लिए मैं नहीं बता रहा, सब्जेक्ट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं आज आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि हमें प्री प्लानिंग क्या करनी चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें अपने गोल को अचीव करने में सहायता मिले। तो चलिए आज इसी बात पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर नीट एग्जाम, नीट एग्जाम की क्या तैयारी है। भाई, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस सबसे महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है वह होती है मेन गोल, वह होती है एक मुख्य गोल। अब ये गोल तो भाई मैं बार बार उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि हमारा गोल जो है वो ये होना चाहिए कि नीट एग्जाम को क्वालिफाई करें, लेकिन मैं यहां पर कहना ही चाह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि नीट एग्जाम को क्वालिफाई, भाई नीट एग्जाम का क्वालिफिकेशन तो आपको करना ही है, लेकिन उस नीट एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए कोई ना कोई हमारा ऐसा अंकों का लक्ष्य होना चाहिए जिससे ये तय हो जाए कि इतने अंक आने पर हमारा एडमिशन हो जाएगा। अब ये अंक क्या होंगे, इस अंक का निर्धारण कैसे करें। भाई, इन अंकों का निर्धारण आप पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स को देखकर कर सकते हैं। जो कट ऑफ मार्क्स है उन मार्क्स को देखिए और तय कीजिए कि आपका गोल क्या होगा। आपका क्या यहां आपका गोल 500 अंकों का है या 600 से ज्यादा अंकों का है, यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है। अर्थात हमें सबसे पहले इस बात को तय करना है कि हमें कितने अंक आने चाहिए, नीट एग्जाम में हमारे कितने अंक आने चाहिए, वही हमारा जो है मुख्य गोल होगा। मान के चलिए कि आपने निर्धारित किया कि मेरे अंक क्या होने कितने होने चाहिए, 600। तो भाई यही 600 अंक जो है आपका मुख्य गोल हो गया कि नीट एग्जाम में मुझे कितने अंक लाने हैं, 600 अंक लाने। भाई 600 अंक क्या बोलने से आ जाएंगे, भाई आपने निर्धारित किया कि नहीं मुझे 600 अंक लाने, तो क्या 600 अंक ऐसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। भाई उन अंकों के लिए आपको सब गोल बनाना पड़ेगा, गोल के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, सब गोल बनाना पड़ेगा, और इस सब गोल को बनाने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको सब गोल बनाना पड़ेगा। आपको अलग अलग विषय में अपने लिए अंक निर्धारित करने पड़ेंगे और इन जैसे मान के चलिए बायोलॉजी, आपको मालूम है कि नीट एग्जाम में तो भाई सीधी सी बात है बायोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, लगभग 90 प्रश्न आते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से जो है 45 प्रश्न आते हैं, वही केमिस्ट्री से भी 45 प्रश्न आते हैं। ऐसा हम क्या करें, ऐसा कितने अंक निर्धारित करें कि हम इस 500 या जो 600 जो मुख्य गोल है उस तक पहुंचा जा सके। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले अपने लिए सब गोल का निर्धारण करने के लिए जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करने की कोशिश करें जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, अर्थात जो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाता है, जो आपका इंटरेस्ट है। अब मान के चलिए कि अगर हम बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है
तो हम ये ऐसी उम्मीद कर सके कि नहीं भाई 70 से 75 प्रश्न जो है वो हमारे बायोलॉजी में सही होने चाहिए। भाई यही आपका सब गोल होगा कि बायोलॉजी में मेरे 75 मार्क्स आने चाहिए। वहीं पर अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में कह सके कि भाई 35 से 40 प्रश्न जो है हमारे सही होने चाहिए। यही आपका सब गोल हो गया फिजिक्स में। वहीं केमिस्ट्री की भी बात करें तो केमिस्ट्री में भी यही चीज आपको करनी पड़ेगी कि इतने प्रश्न मेरे सही होने चाहिए। ये आपका सब गोल हो गया। आपने क्या काम किया अब तक? दो काम किया। आपने गोल निर्धारित किया कि आपके लिए इतने अंक लाने पर आपका एडमिशन हो जाएगा, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपने सब गोल निर्धारित किया कि बायोलॉजी में मेरे इतने प्रश्न सही होने चाहिए, फिजिक्स में इतने प्रश्न सही होने चाहिए और केमिस्ट्री में इतने प्रश्न सही होने चाहिए। एक गोल निर्धारित करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब हम कोई गोल निर्धारित करते हैं, किसी काम को करने की ठान लेते हैं, तो सारी कायनात, हमारा जो शरीर है, वो उसके हिसाब से काम करता है। हमारा जो शरीर है उसके हिसाब से काम करता है, और हमारा जो शरीर है आपको मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे आपको ये काम करना है, आप इतने बजे जाइए, आप इतने बजे सोइए, आप इतने बजे ये कीजिए, आप इतने बजे ये काम कीजिए। यही चीज होती है गोल निर्धारित करने का सबसे बड़ा फायदा। तो चलिए तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई गोल निर्धारित करने से, सब गोल निर्धारित करने से क्या हम अपने उस चीज को प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। निर्धारित करने से कुछ नहीं होता। हम तो बहुत सारी चीजें निर्धारित कर लेते हैं लेकिन नहीं हो पाता। फिर उस चीज को निर्धारित करने के लिए जरूरी है हमें एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें कंपटीशन दे सके। ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको कंपटीशन दे सके और उसके साथ प्रतिस्पर्धा कीजिए कि नहीं इससे मुझे ज्यादा अंक अर्जित करने हैं और इससे इसको मुझे पीछे छोड़ना है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप कंपटीशन के लिए जो है एक लूज व्यक्ति को चुने। ऐसा व्यक्ति जो आपसे तगड़ा हो, जो आपसे ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देता हो, ऐसे व्यक्ति को चुनिए और फिर उसके साथ कंपटीशन कीजिए। और कंपटीशन हमेशा स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे जेलेसी की भावना रखें। कंपटीशन स्वस्थ होने पर होता यह है कि वह भी आपकी सहायता करेगा, आप भी उसकी सहायता करेंगे। भाई दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, एमबीबीएस में एडमिशन करना, एडमिशन लेना, या अन्य दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम है उसको क्वालिफाइड करना। तो कंपटीशन कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति को यह ना बताए कि आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं। तो आपने क्या काम किया? सबसे पहले गोल निर्धारित किया, फिर उस गोल को प्राप्त करने के लिए सब गोल निर्धारित किया, फिर आपने एक कॉम्पिटिटर भी ढूंढ लिया। अब इन तीन चीजों से भी गोल प्राप्त नहीं हो सकता। आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको जो प्रत्येक दिन जो 24 घंटे मिलते हैं, उस 24 घंटे का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करें उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन 7 माह की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे कितने समय तक किस विषय को पढ़ना चाहिए। हालांकि ये काम भी आप ही को तय आपको करना है, लेकिन मैं इसमें कुछ टिप्स आपको दे देना चाहता हूं। आपके पास 7 माह हैं। इस 7 माह को कुछ ऐसा बांट दीजिए कि आपके प्रत्येक विषय के जो है वो टॉपिक्स इसमें आए। एक चीज और, इन 7 माह में से केवल 6 माह ही आपको जो है वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। अंतिम 1 माह जो है वह रिवीजन के लिए रखें। अंतिम 1 माह किसके लिए रखना है आपको? रिवीजन के लिए रखना है। हाँ, अब ये जो 6 माह आपने अपने शेड्यूल जो बांटा हुआ है, इस 6 माह में प्रत्येक दिन क्या व्यवस्था होनी चाहिए, प्रत्येक सप्ताह क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस चीज को देखें। मैं सबसे पहले बात कर लूं सप्ताह की।
सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, और 7वां दिन जो है वो टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करके टेस्ट दीजिए, पहले रिवीजन कीजिए फिर उसके बाद 7वें दिन जो है आप टेस्ट दीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर हम पर डे की बात करें, डे पर डे की बात करें, आपके पास 24 घंटा है और इस 24 घंटे का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करें इसको आपको समझना चाहिए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि उसके पास समय नहीं है, और आप भी यही कहेंगे कि यार मेरे पास 24 घंटे में पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। कंट्रोल द इवेंट्स, भाई डेली लाइफ में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसको कंट्रोल कीजिए, अपने आप आपके लिए समय निकाल आएगा। तो चलिए 24 घंटे में आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कम से कम 6 मिनिमम 6 घंटे की जो नींद है आपकी होनी चाहिए। जो आप डेली प्लान बनाए तो उसमें इस बात को ध्यान रखें कि 6 घंटे से कम आपकी नींद नहीं, भाई स्वस्थ रहना है आपको, कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको फिट रहना है, और उस फिट रहने के लिए मिनिमम 6 घंटे की नींद अनिवार्य है। तो इसको ध्यान रखें 6 घंटे की नींद आपकी हो। इसके अलावा आप जो है 3 घंटा जो है वो आप अपने डेली एक्टिविटीज को दें। भाई डेली एक्टिविटीज में बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज होती है, उन डेली एक्टिविटीज को दें कम से कम 1 घंटा जो है स्पोर्ट्स को दें, आप खेल को दें, आप फिट रहें इस बात को ध्यान दें, और फ्री माइंड रहें। ये फ्री माइंड रहने का मतलब यह है कि आप जो है संतुलित रूप से अपने माइंड का प्रयोग करें। फिर अगर आप इसको भी देखें तो 10 घंटा हो चुका है और अभी भी आपके पास जो है वो लगभग 14 घंटे शेष हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं स्कूल, तब ऐसी अवस्था में इसमें से लगभग आपके जो है 6 से 7 घंटा निकल जाएंगे, 6 से 7 घंटा आपके स्कूल के लिए निकल जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, 10:30 से 11:30 से लेकर 4:30 बजे तक स्कूल होता है, हालांकि अलग अलग स्कूलों का अलग अलग टाइमिंग होती है, लेकिन मिनिमम ये मान के चलते हैं कि 6 से 7 घंटा जो है आपका स्कूल आवर्स होंगे, तो इसको भी निकाल दीजिए। अब बचे कितने आपके पास, केवल 7 घंटे, और इन 7 घंटों में लगभग 3 घंटा तो आप किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते होंगे। सही, 3 घंटे तो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते होंगे, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास केवल और केवल कितने बचा है, 4 घंटे का समय बचा है, और इन्हीं 4 से 5 घंटे का आपको इस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है कि आपकी पूरी स्टडी हो जाए। देखिए अगर आप यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इतना सब समय निकालने के बाद हमारे पास तो बचा ही नहीं कुछ, तो आप गलत है भाई। ये जो आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं, ये जो 3 घंटा खर्च कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, ये आपकी स्टडी टाइम है। इसको बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ जो है वहां स्टडी कीजिए, कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी कीजिए, क्योंकि ये आपके स्टडी आवर्स है भाई। कोचिंग में आप जो पढ़ रहे हैं वो भी तो आने वाला है, वो भी तो हमारे सिलेबस में है, तो आप उन्हीं चीजों को ये जो 4 घंटे हैं इन 4 घंटे में रिवाइज करके उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका जो है एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएंगे, आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे। चलिए तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपके पास 7 माह बचे हैं और 7 माह में से 6 माह ही हमें जो है वो सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। इनमें से 1 माह क्यों भाई, 6 माह क्यों, 1 माह हमने रिवीजन के लिए रखा हुआ है। अगर हम सप्ताह की बात करें तो 6 दिन आप अच्छे से तैयारी करें, 7वें दिन रिवीजन के साथ आप टेस्ट दें। अगर हम दिन की बात कर रहे हैं तो दिन में से 6 घंटे जो है आप सोएं, 3 घंटे डेली एक्टिविटीज को दें, कम से कम 1 घंटा आप स्पोर्ट्स को दें,
अगर आप स्कूल जाते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटा आपका स्कूल में चले जाएगा, बल्कि अब आपके पास जो 7 घंटे बचे, 7 घंटे में से भी आप लगभग 2 से 3 घंटा जो है वो कोचिंग को देते हैं, वो भी आपकी पढ़ाई में शामिल है। बाकी बचा 4 घंटा तो आप घर पे जो है उस 4 से 5 घंटे का ऐसा यूटिलाइजेशन करें, हर विषय को बांट दे और हर विषय को बांटते हुए फिर आप स्टडी करें, कम से कम 5 घंटा हर दिन करें। चलिए, अब मैंने तो इतनी सारी चीजें आपको बता दिया, लेकिन क्या यह संभव है, ये ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, यदि आप में डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, दो शब्दों का इस्तेमाल किया मैंने, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है, तो आप निश्चित तौर पर इस प्रकार से प्लानिंग करते हुए जो है आप ये काम कर सकते हैं। इन सारे कार्यों को, इन सारी चीजों को का आप अच्छे से इंप्लीमेंटेशन कीजिए। इंप्लीमेंटेशन जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने उस गोल को, अपने उस लक्ष्य तक आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हाउ टू प्रिपेयर नेट एग्जाम, और उसमें हमने सबसे पहला देखा कि गोल की तैयारी कैसे करें, फिर उसके लिए गोल क्या बनाए, फिर हमने देखा कि उस गोल को अचीव करने के लिए सब गोल क्या बनाए, फिर हमने देखा कि हमें एक कॉम्पिटिटर की आवश्यकता पड़ेगी, कॉम्पिटिटर की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही हमने ये देखा कि हमारे वहां के लिए, और डेली प्लानिंग पर हमने विशेष रूप से चर्चा की, और साथ में हमने ये देखा कि इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या करना चाहिए। मैं यहां पर एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बात मैं अब आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप सोने से पहले आप पहले से ही तय कर ले कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है। भाई ऐसा क्यों कर? क्योंकि आपका जो शरीर है आपको उतने बजे जगा देगा। अब वहां पर आलसी मत कर लीजिएगा, नहीं तो पता चल रहा है कि आप उस आलसी की वजह से जो है आपने जो चीज सोची है वो छूट जाएगी। आपका शरीर आपको उतने बजे अवश्य जगा देगा, बस आपको उठ नहीं कह सकता। साथ में सोने से पहले एक चीज और ये कर लीजिए कि आपको कल क्या करना है, एक शॉर्ट रिवाइज जो है अपने माइंड में लाइए कि मुझे ये चीज ये कल करना है, इतनी पढ़ाई करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ये सारी चीजें कर लीजिए, आपका अगले दिन का